हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 4 जुलाई 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, आईपीएल की सभी 10 टीमों को लेकर, इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच में जो हमें सीरीज़ देखने को मिल रही है उसकी तरफ से 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये निकल कर आ रही है मिचेल स्टार्क की तरफ से। मिचेल स्टार्क ने आज से कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि आईपीएल 2023 में वो खेलने के लिए आने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग मिचेल स्टार्क को आईपीएल में देखना चाहते हैं और इसका काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई है, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने बिग बैश लीग में पार्ट लेने से मना कर दिया है। और इनका जो रीजन है वो वही है जो कि लास्ट के कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए ये बिग बैश लीग से अपने नाम को ऑप्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी इनकी जरूरत हो तो वहां पर ये थोड़ा सा भी थक कर जाएं या फिर थोड़ा सा भी इनको इंजरी के कोई से भी इश्यूज हों बीबीएल खेलने की वजह से, जिसके चलते इन्होंने बीबीएल को स्किप करने का डिसीजन लिया है। और अब इसके बाद इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है कि मिचेल स्टार्क आईपीएल 2023 में भी शायद अपना नाम नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो अपने ही देश की जो टी20 लीग है उसको खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं तो फिर भारत आकर जो बायो बबल होगा उसके अंडर वो आईपीएल क्यों ही खेलेंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों के अकॉर्डिंग मिचेल स्टार्क को आईपीएल 2023 में खेलना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल हम चलते हैं हमारी आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ, और ये निकल कर आ रही है गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से, जहां पर गुजरात टाइटंस की टीम अब ट्रेड विंडो में मैथ्यू वेट के नाम को जल्दी ही शामिल करने वाली है, क्योंकि गुजरात टाइटंस की टीम ने वेट को अपनी टीम में उनके टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में काफी ज्यादा धमाकेदार परफॉर्मेंस, मैच विनिंग परफॉर्मेंस के बाद अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन इसके बाद जो गुजरात टाइटंस की टीम है उन्होंने वेट को काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिए थे, लेकिन वो इनको बिल्कुल भी भुना नहीं पाए। और मैथ्यू वेट की खराब फॉर्म, जो कि वैसे तो टी20 वर्ल्ड कप से पहले भी चल रही थी, वो हमें पूरे आईपीएल में भी रिपीट होते हुए देखने को मिली। और इसके बाद अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि गुजरात टाइटंस की टीम मैथ्यू वेट को अपनी टीम में शामिल नहीं करने वाली, जिसका मतलब है ये इनको वैसे भी रिलीज तो कर ही देते, लेकिन अब क्योंकि ट्रेड विंडो ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये मैथ्यू वेट का नाम ट्रेड विंडो में शामिल करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइज ये निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम के कोचिंग स्टाफ की बात की जाए तो लास्ट ईयर इन्होंने अनिल कुंबले को पूरी रिस्पांसिबिलिटी दे दी थी कि आप ही टीम के हेड कोच हो, आप ही टीम के जो एक तरीके से क्रिकेटिंग ऑपरेशंस के हेड होते हैं वो भी आप ही हो, तो सारी की सारी जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं उसके बॉस एक तरीके से पंजाब किंग्स की टीम में हमें अनिल कुंबले देखने को मिले थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहने वाला इस साल से, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो अपने कोचिंग स्टाफ में और इंपॉर्टेंट एडिशंस करने वाले हैं, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली एडिशंस असिस्टेंट कोच के तौर पर होंगे, क्योंकि अनिल कुंबले के ऊपर करेंटली काफ़ी सारी रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं, ना सिर्फ फील्ड के ऊपर बल्कि फील्ड के बाहर की चीज़ें भी वो मैनेज करते हैं पंजाब किंग्स की टीम में। इसीलिए उनके वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए और कोचिंग के अप्रोच में और ज़्यादा वैरायटी लाने के लिए पंजाब किंग्स की टीम अपने कोचिंग स्टाफ में आप लोगों को और भी असिस्टेंट कोचेज को ऐड करते हुए देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कि वीरेंद्र सहवाग की साइड से हमें कल देखने को मिली, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर विराट कोहली के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दिया, और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा बातें हमें देखने सुनने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग ने एक सिंपल सा ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि विराट कोहली को स्लेज नहीं करना चाहिए था जॉनी बेरिस्टो को, क्योंकि अगर वो उनको स्लेज नहीं करते तो उससे पहले वो पुजारा की तरह खेल रहे थे, और जैसे ही उन्होंने स्लेज किया उसके बाद तो इतना तेज खेलने लग गए। तो उन्होंने विराट कोहली ने जो स्लेज किया था जॉनी बेरिस्टो को उसकी एक तरीके से निंदा की, और इसके बाद जब वो कमेंट्री पर आए, हिंदी कमेंट्री हमें करेंटली वो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पर विराट कोहली जब विकेट गिरा था, शायद जॉनी बेरिस्टो का वो विकेट था जिस टाइम पर विराट कोहली हमें डांस करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि वो छोटी छोटी चीजें फील्ड के ऊपर करते रहते हैं। तो इस पर सहवाग ने अपना कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया, और उन्होंने कहा कि देखो छमिया नाच रही है, यानी कि एक तरीके से उन्होंने विराट कोहली को छमिया वर्ड से यूज किया, जिसके बाद जो क्रिकेट के फैंस है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए सहवाग के ऊपर। अगर आप लोग इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाएंगे और इनका कॉमेंट सेक्शन देखेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा हेट इनको मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी वीरेंद्र सहवाग इस बारे में क्या बोलते हैं और विराट कोहली का इसके बारे में क्या ओपिनियन रहता है। कॉमेंट करके आप लोग हमें अपना ओपिनियन भी इसके बारे में जरूर बताइए। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट की तरफ, और गाइज ये निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 के ड्राफ्ट के रिगार्डिंग। अभी शायद कल वाली वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि आईपीएल 2023 का जो ड्राफ्ट है वो 2022 से काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें कम से कम 100 प्लेयर्स इंक्रीज होंगे और 400 के अराउंड प्लेयर्स का ड्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा। और अब ये चीज बीसीसीआई के द्वारा ही फाइनलाइज की जा चुकी है, जहां पर अब ये बताया जा रहा है कि आईपीएल 2023 का जो ड्राफ्ट होगा वो मिनी ऑक्शन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ड्राफ्ट होगा, क्योंकि इस ड्राफ्ट में अभी तक 388 प्लेयर्स को
शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है और इसमें आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी ज़्यादा प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसका मतलब है आसानी से इस बार प्लेयर ड्राफ्ट में आप लोगों को कम से कम 400 प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है सभी IPL टीमों के ऑफिशियल रिलीज लिस्ट के रिगार्डिंग ऑक्शन की डेट के बारे में। तो BCCI के द्वारा हमें बताया जा ही चुका है कि ऑक्शन हमें नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि ट्रेड विंडो चल रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी IPL टीमों को अपने अपने रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट भी जारी करनी होगी। तो अगर बात की जाए कि ये रिलीज लिस्ट हमें कब देखने को मिलने वाली है, तो अभी तक के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सितंबर के महीने में ऑफिशियल रिलीज लिस्ट हमें जारी होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि सितंबर के महीने की बात की जाए तो ये एक ऐसा महीना है जो कि ऑक्शन से करीब करीब 2 महीने पहले पड़ता है। और ऐसे में अक्सर हम लोग यही देखते हैं कि रिलीज रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट अगर सब कुछ अपने टाइम के अनुसार होता है तो फिर 1.5 या फिर 2 महीने पहले जारी कर दी जाती है, लेकिन कभी कभी अगर डिले हो जाता है तो 1 महीना पहले भी रिलीज लिस्ट जारी की जाती है, जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था। लेकिन इस बार क्योंकि ऐसा कोई भी सीन नहीं है, इस बार मेगा ऑक्शन नहीं बल्कि मिनी ऑक्शन में देखने को मिलने वाला है, जिसका मतलब है कि सभी IPL टीमों की ऑफिशियल रिलीज लिस्ट हमें सितंबर में देखने को मिलेगी, अगर सितंबर नहीं तो वर्स्ट केस में हमें अक्टूबर में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है रोहित शर्मा की तरफ से, जहां पर रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव थे और जिसके चलते उन्होंने 5वें टेस्ट मुकाबले को एक तरीके से स्किप कर दिया था क्योंकि वो क्वारंटीन थे। और अब रोहित शर्मा के फाइनली जो RT-PCR टेस्ट हैं दोनों वो क्लियर कर चुके हैं और अब वो कोविड की जो रिपोर्टिंग है उसमें नेगेटिव पाए गए हैं, जिसका मतलब है कि रोहित शर्मा पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है खेलने के लिए। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है 5वें टेस्ट मुकाबले को तो स्किप कर चुके हैं, जिसका मतलब है अब वो भारतीय टीम के साथ आपको सीधे जुड़ते हुए नजर आएंगे। शायद जब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तब तक वो भारतीय टीम के साथ जुड़ भी चुके होंगे। भारतीय टीम से मेरा मतलब टेस्ट वाली टीम नहीं है, इससे मतलब है कि जो T20 सीरीज खेलने के लिए जो टीम आई है, इंग्लैंड में करंटली 2 अलग अलग मैचेस चल रहे हैं भारतीय टीम के, तो T20 वाली सीरीज से जुड़ेंगे जहां पर रोहित शर्मा कैप्टन भी हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के CEO एन श्रीनिवासन की तरफ से, जहां पर इन्होंने बताया है कि अगर BCCI आने वाले टाइम में विमेंस क्रिकेट की कोई भी टीम बनाती है तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहली टीम होगी जो कि विमेंस क्रिकेट टीम को बाय करने का ट्राई करेगी। उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स IPL की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में क्रिकेट के जितने भी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज है उनमें सबसे बड़ा नाम है इनके अकॉर्डिंग, जिसके हिसाब से इन्होंने कहा कि अगर BCCI इस तरीके का कोई भी प्लान लेकर आती है जो कि विमेंस क्रिकेट को आगे बढ़ाने के काम आता है, जैसे कि IPL आने से जिस तरीके से क्रिकेट में एक नया रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिला भारतीय क्रिकेट में, उसी तरीके से इनके अकॉर्डिंग अगर विमेंस क्रिकेट में भी इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उसमें पीछे नहीं रहेगी और ये पैसे ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे किसी न किसी एक IPL टीम में जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की हमें नेक्स्ट फ्रेंचाइज बनते हुए नजर आएगी। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक या फिर किस टीम के ऊपर देखना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।